हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थ्योरी टू प्रैक्टिकल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि अगला सब्जेक्ट है, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया दोस्तों। एक तो अपना होगा सॉइल मैकेनिक्स पार्ट और एक दूसरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने सॉइल के बेसिक नेचर से, कि सॉइल कैसे अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स नेचर में अवेलेबल होती है, कि किस तरह से वो फॉर्म होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, जो कि जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन अपने एसएससी जेई या फिर एईएन वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आरपीएससी एईएन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज सॉइल। बेसिकली सॉइल है क्या? सॉइल बेसिकली इट इज, अपन इसका जो सब्जेक्ट अपना ये जियोटेक्निकल है, इसकी अपनी अप्रोच कैसी रहेगी दोस्तों, इसमें अपन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, और जहां अपन को कुछ लिखने की या नोट लगाने की आवश्यकता होगी वहां पे अपन अपने नोट्स कॉपी कर लेंगे। उसके अलावा अपन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद फिर अपन न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट इसमें थ्योरेटिकल है। जिस तरह से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में अपन ने देखा था कि विदाउट एनी एग्जांपल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो उसमें अपन ने एग्जांपल लेके सारे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट सीखे थे। इसमें अपन को पहले थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी, अपनी बेसिक जो उसमें जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके अपन न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक सॉइल से। सॉइल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सॉइल इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल विच मे कंप्राइज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वाटर एंड वॉइड्स। इट इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। तो अभी तो अपन समझेंगे, जहां अपन को कुछ लिखने की आवश्यकता होगी प्रॉपर डेफिनेशन, वहां अपन पूरा लिख भी लेंगे। फिलहाल तो अपन चीजों को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स। सॉइल इज व्हाट? इट इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, जिसमें क्या हो सकता है, एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल का कंपोजिशन है जिसमें क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, इसमें अपना लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट हो सकता है, इसमें अपने सॉलिड्स होते हैं, सॉइल कौन से होते हैं, सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं, और इसमें साथ में वॉइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये अपना क्या कहलाता है, थ्री फेस सिस्टम ऑफ सॉइल, जो कि अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप देख लीजिए सॉइल अपना बेसिक डेफिनेशन क्या है। इट इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल विच में कंप्राइज लिक्विड, सॉलिड्स एंड वॉइड्स। तो अपन जनरली बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड सॉइल। आपको पता है अपने नेचर में डिफरेंट टाइप देखने को मिलते हैं, बहुत तरह की अपने को सॉइल्स देखने को मिलते हैं, तो वो अपन देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स डेवलप इस दुनिया में हुई। जब ये नेचर एग्जिस्ट करती थी बहुत सालों पहले, तब ये सॉइल कहाँ से, किस तरीके से इनका सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, वो देखेंगे दोस्तों अपन। तो देखिए होता क्या है, वोल्केनोज के बारे में आपने सुना होगा, जिसका कंटिन्यूस इरप्शन होता रहता है, जिसमें से मैग्मा या लावा जिसको बोलते हैं अपन, उसमें से वोल्केनोज में से उसका इरप्शन होता रहता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे वोल्केनोज से बाहर आके मैग्मा क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। सालों पहले वो जमना स्टार्ट हो गया था, जिसके जमने से क्या हो गया, बड़ी बड़ी अपनी रॉक्स चट्टाने बनने लगी। उन चट्टानों को दोस्तों अपन बोलते हैं इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। वो आगे डिटेल में देखेंगे उन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो उस मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से, उस मैग्मा का जो लावा था, जो मोल्टन स्टेट में था, उसका जब सॉलिडिफिकेशन हुआ तो क्या बन गई हमारी, बड़ी बड़ी रॉक्स बन गई। अब वो रॉक्स बनने के बाद दोस्तों क्या हुआ, जैसे उसमें फिजिकल या फिर केमिकल वेदरिंग एक्शंस हुए, वेदरिंग मतलब उसमें विघटन होना स्टार्ट हो गया, जैसे फिजिकल टेम्परेचर, हीट एंड प्रेशर की वजह से हो गया, केमिकल जो जिन मिनरल से बन के वो मोल्टन मैग्मा बना था उसमें कंपोजिशन में डिसइंटीग्रेट होने लगा। उससे क्या होता है, उसके पार्टिकल्स, जो बड़ी बड़ी चट्टाने थी उसके पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होने लगे। तो क्या होता था कि ज़्यादातर पार्टिकल्स तो वहीं डिसइंटीग्रेट होकर फिर से जमा होना स्टार्ट हो जाते थे, अदरवाइज जो पार्टिकल जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं उनको विंड या फिर अनदर सोर्सेस वाटर की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, तो उसको अपन ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते थे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं पहले ये जो सर्कुलर साइक्लिक प्रोसेस है, कैसे अपना सॉइल बनती है वो देख लेते हैं। देखिए ये छोटे छोटे, अगर ये आपको एस इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो अगर आपको समझने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में इस चीज को लिखते जाइए। देखिए क्या निकला अपना, वोल्केनोज से मैग्मा, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हुआ,
क्या बना अपना? रॉक्स। ठीक है, यहां से लिखते जाइए, ये क्या हुआ? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, रॉक्स, रॉक्स में क्या हुआ? वेदरिंग एक्शन हुआ, यानी डिसइंटीग्रेशन हुआ इसका, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ। रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से मैंने क्या बताया आपको, क्या बना अपना? सॉइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स मेरी बनी रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से, ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग एक्शंस, इसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ, उससे मेरी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। इस सॉइल को अगर मैं बाद में देखूं, ये सॉइल फिर से लिथिफिकेशन प्रोसेस से, इसको क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। सॉइल बाय लिथिफिकेशन फॉर्म प्रोसेस, इट अगेन फॉर्म्स रॉक्स। ये क्या बना देती है? फिर से रॉक्स। लिथिफिकेशन या सॉलिडिफिकेशन आप इसको बोल सकते हैं। फिर से इसका क्या बन जाता है? सॉइल से मेरी रॉक्स। और ये रॉक्स फिर से क्या होता है? इनमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फिर इनसे मैग्मा निकलता है, फिर से ये रॉक्स में बन जाती हैं, उनका फिर से डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर सॉइल बनती है। सॉइल पार्टिकल्स आपस में एक्यूमुलेट हो गए, जिसको अपन लिथिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, उससे क्या होता है? रॉक्स बनती है। रॉक्स में फिर से केमिकल, इंटरनल केमिकल रिएक्शन जिनकी वजह से लावा डेवलप होता है, वो बाहर निकलता है, और निकलने के बाद वो अपना फिर से रॉक्स। इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और रॉक्स, रॉक्स से जब डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग हो रही है, जिससे सॉइल बन रही है अपनी, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। ये भी लिख लीजिए साइड में, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी एक वन स्टार लगा के लिखते जाइए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। कई बार आपको जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे होंगे, तो क्या होता है आपको ये ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिल जाते हैं? सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, तो उसमें कई जगह पूछा जाता है, तो ये बेसिकली आपको याद रहनी चाहिए चीजें कि द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। और मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपना सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कैसे रॉक्स, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होकर सॉइल बनता है, सॉइल का फिर से लिथिफिकेशन प्रोसेस से रॉक्स, एंड देन अगेन सॉइल फॉर्मेशन। तो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये तो अपन ने देख लिया कि साहब सॉइल अपने इस धरती पे या नेचर पे आई कैसे, पुराने टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स से चला रहा है प्रोसेस इरप्शंस का और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स का। ठीक है, अब अपन घुस जाएंगे इसके टाइप्स ऑफ सॉइल्स में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स एंड व्हाट आर द मिनरल्स ऑफ रॉक्स, जिनसे अल्टीमेटली जो सॉइल बन रही है वो कहाँ से आ रही है? रॉक से आ रही है। तो रॉक्स के जो भी मिनरल एग्रीगेट्स होते हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा, वैसे वैसे सॉइल की वेराइटीज भी मेरे को डिफरेंट टाइप की मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स। रॉक्स में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अपने बाद में सॉइल फॉर्मेशन का कारण बनते हैं? तो चलिए आप थोड़ा सा हेडिंग लगा के इन तीन चार मिनरल्स को लिख लीजिए, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ये लिखने लायक चीज है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है वन मार्क का? चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली प्रेजेंट इन रॉक्स। रॉक्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर कौन कौन से मिनरल अवेलेबल अपने रॉक्स में होते हैं। तो लिख लीजिए, सबसे पहली प्रायोरिटी अपन देंगे फेल्डस्पार को, पहला आ जाएगा फेल्डस्पार, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वाइडली प्रेजेंट, दिस इज द मिनरल एंड विच इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द रॉक फॉर्मेशंस। ठीक है, दूसरा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए क्वार्ट्ज, दिस इज क्वार्ट्ज, और ब्रैकेट में लिख लीजिए सेकेंड लार्जेस्ट, इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट क्वांटिटी में अपना ये ही प्रेजेंट होता है रॉक्स में। ठीक है, फेल्डस्पार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फिर आप लिख लीजिए अगले जो पॉइंट्स तीन चार, फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स हो गए अपने। फिर इसमें अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स और आ जाएगा मेरा आयरन ऑक्साइड्स आ जाएगा, वो लिख लीजिए आयरन ऑक्साइड्स।
उसके अलावा आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए डोलोमाइट, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट, माइका एंड जिप्सम. सो वी हैव गॉट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ए रॉक. तो कौन कौन से डिफरेंट जो मिनरल्स है वो अपन ने देख लिए. दो आपको याद रखने अच्छे से. सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में कौन सा प्रेजेंट होता है, वाइडली प्रेजेंट, दैट इज फेल्डस्पार. दूसरा अगर बात करूं सेकंड लार्जेस्ट, तो दैट इज क्वार्ट्ज. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ए रॉक. अब बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ रॉक्स की. ये तो वो मिनरल्स हो गए जिससे मिलकर रॉक्स बनी. अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रॉक्स और उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स. उसके जो एग्जाम्पल हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो अपन ध्यान से देखेंगे. देखिए सबसे पहले अपना आ जाएगा टाइप्स ऑफ रॉक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा इग्नियस. टाइप्स ऑफ रॉक्स, छोटा टॉपिक है और कई बार इसे क्वेश्चन आ जाता है तो वी कैन नॉट लीव इट एंटायरली. अपन इसको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, तो अपन इसको टच जरूर करेंगे. डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक, बट डेफिनेटली इसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क 2 मार्क के, तो आपको याद रखना है. फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स की अपन डिस्कशन कर रहे हैं. सबसे पहला दोस्तों आ जाएगा मेरा इग्नियस, जिसको मैं प्राइमरी भी बोलता हूं, प्राइमरी रॉक्स. प्राइमरी क्यों बोलता हूं, क्योंकि जो मैग्मा के सोलिडिफिकेशन से जो सबसे पहला जो टाइप का रॉक बनता है उसी को मैं बोलता हूं इग्नियस. तो जब से पहली जो स्टेज होती है रॉक फॉर्मेशन की, इसलिए ये होती है कौन सी, इग्नियस रॉक की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी रॉक्स. सो दीज रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. ठीक है, मैग्मा कहां से आ रहा है, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनो उसका इरप्शन हुआ जिससे मैग्मा निकला, उस मैग्मा का मैंने आपको वो साइक्लिक प्रोसेस में बताया था, उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ जिससे जो रॉक बनती है सबसे प्राइमरी स्टेज जिसकी होती है, उसलिए उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स. क्या कहलाती है, इग्नियस रॉक्स. जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है, इसके एग्जाम्पल्स व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दैट कैन बी गिवन अंडर इग्नियस या फिर प्राइमरी रॉक्स, दैट यू नीड टू राइट. लिख लीजिए एक एक करके लिख लीजिए. सबसे पहला अपना आ जाएगा इसमें ग्रेनाइट, बेसाइल्ट, डायोराइट. ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, और इसके अलावा अगर आप प्राइमरी में लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए डायोराइट, एंडेसाइट, रियोलाइट एंड गैब्रो. एंडेसाइट, रियोलाइट एंड गैब्रो. So these are different type of primary or igneous rocks that you need to remember these names. कुछ भी आ सकते हैं इनसे डायरेक्टली. ये आपको दोस्तों एक जगह से कहीं से भी सोर्स नहीं मिलेगा, ये मैंने डिफरेंट जगह से उठा के एक नोट्स बनाया उसमें फिर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. अगर आपको ये सब देखना है, अगर आप चाहें कि मेरे को टाइप्स ऑफ भी उसी में मिल जाए, तो ये आपको अलग अलग बुक रेफर करनी पड़ेगी. तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने हर जगह से टॉपिक उठा के उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है. तो अपन इग्नियस रॉक देख लिया कैसे फॉर्मेशन होती है. दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ रॉक्स, प्राइमरी स्टेज बोलती है, इसलिए सो बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. तो इसके एग्जाम्पल कौन से, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट, डायोराइट, एंडेसाइट, डोलोमाइट एंड रियोलाइट. ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. अब बढ़ते हैं अपने दूसरे, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इसको आप बोल सकते हो सेकेंडरी रॉक्स. सेकेंडरी मतलब इसके बाद वाली स्टेज. अब मेरे पास इग्नियस रॉक्स हैं, अब मैं उसमें मैंने आपको बताया था रॉक्स में क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग एक्शंस होते हैं, उसका विक्टन स्टार्ट होता है. विक्टन स्टार्ट होना मतलब उसके जो जिन सॉइल पार्टिकल से मिलके बिना है वो टूटने लगते हैं, वो या तो वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर विंड की वजह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. तो उस तरीके से जो सॉइल बनती है हमारी सेकेंडरी स्टेज की जो सॉइल होती है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. तो अब इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप. एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन. कॉन्ग्लोमरेट एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट. सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, क्लेस्टोन जिसको अपन शेल भी बोलते हैं और लाइमस्टोन. क्ले स्टोन ब्रैकेट में लाइम लिख लीजिए,
सॉरी क्ले स्टोन मीन्स शेल, सॉरी नॉट लाइम, इट इज शेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेल, क्ले स्टोन, और उसके अलावा आ जाएगा लाइम स्टोन, चौक, लाइम स्टोन, चौक एट्सेट्रा। सो थोड़ा सा बेसिकली अगर आपको याद रखना तो लास्ट में जहाँ स्टोन स्टोन आ रहे हैं तो दैट यू कैन डायरेक्टली मेमोराइज एज दीज आर सेकेंडरी रॉक्स, ठीक है। तो कॉन्ग्लोमरेट सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। अब देखिए, अब बात आती है अपने तीसरी स्टेज पे, दैट इज टर्शियरी स्टेज, वो कौन सी कहलाती है अपनी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरी लिख लीजिए और उसके एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो। अब सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स में इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर की वजह से फिर से उनका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और फिर उनसे जो अपनी जो तीसरे टाइप की सॉइल बन रही है उनको अपन बोल रहे हैं, जो रॉक्स बन रही है उनको बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स। डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल कि किस रॉक से ये अपना फॉर्म होता है, ये मिनरल जो थर्ड टाइप की रॉक है कौन सी रॉक से फिजिकल वेदरिंग से ये बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लीजिए इस चीज़ को, मेटामॉर्फिक रॉक में लिखेंगे। अब मेटामॉर्फिक रॉक को दोस्तों आप दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट में कैसे, एक तो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड से मेरा मतलब क्या है, फोलिएटेड रॉक्स, फोलिएटेड मतलब अगर बेडिंग प्लेन में जो सोइल्स के पार्टिकल्स हैं वो बेडिंग प्लेन के अकॉर्डिंग्स वो एकदम बिछे हुए हैं, मतलब इस तरीके से सेट हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, दीज आर कॉल्ड फोलिएटेड। तो ऐसे जो पार्टिकल्स या फिर जो रॉक्स होगी उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो अलोंग बेडिंग प्लेन्स बहुत ही कम होगी, बिकॉज पार्टिकल्स ऑन द बेड साइज आर अरेंज सिमिलर टू बेडिंग प्लेन, ठीक है, इनको बोलेंगे फोलिएटेड। वहीं इसका जस्ट अपोजिट मेरा क्या कहलाएगा, नॉन फोलिएटेड, जिसमें पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू बेडिंग प्लेन्स, इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो स्टैगर्ड होता है, किसी भी तरीके से ये ओरिएंटेड हो सकते हैं, किस केस में, नॉन फोलिएटेड में सॉइल पार्टिकल्स। तो ज़्यादा डीप में अपन को जाना नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है, दिस कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। नाम से पता चल रहा है फोलिएटेड मतलब पार्टिकल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू बेडिंग प्लेन्स, और जिसमें नॉन फोलिएटेड उसका जस्ट अपोजिट। चलिए अभी इन डिफरेंट कैटेगरीज में इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले नॉन फोलिएटेड की बात कर रहे हैं अपन, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, नॉन फोलिएटेड कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए नॉन फोलिएटेड में, नॉन फोलिएटेड में मेरी आ जाएगी मार्बल, जो कि डिराइव होता है लाइमस्टोन से, ये इंपॉर्टेंट है, मार्बल ये तो एग्जांपल है किसके, रॉक्स के, और कहां से डिराइव हो रहा है वो अपन राइट में लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्बल इज डिराइव्ड फ्रॉम, चार ऑप्शन आ जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा मार्बल इज व्हाट काइंड ऑफ रॉक, प्राइमरी, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक, बस ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, हालांकि कई बार नहीं भी पूछे जा सकते हैं, बट वी कैन नॉट लीव दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई वी हैव टू डील इट, ठीक है। मार्बल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, डिराइव्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन की जब रॉक में जब फिजिकल या हीट केमिकल इंटेंसिव हीट या प्रेशर की वजह से जो वेदरिंग एक्शंस होंगे या फिर केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा तो उससे बनने वाली जो रॉक होगी मेरी वो मार्बल होगी, मार्बल इज ए काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद आ जाएगा क्वार्ट्जाइट, दूसरा आ जाएगा मार्बल क्वार्ट्जाइट, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सैंडस्टोन, derived from sandstone, ठीक है, this is derived from sandstone। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ foliated examples के बारे में, foliated metamorphic rocks, तो लिख लीजिए जैसे genesis कितना कहाँ से derived होती है, it is derived from granite, derived from granite, ठीक है, जेनेसिस मेटामॉर्फिक रॉक विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेनाइट।
इसके अलावा फोलिएटेड में अगर मैं एक दो एग्जांपल और लिखाऊं आपको, तो लिख लीजिए शीस्ट या फिर स्लेट। स्लेट लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम शेल। ठीक है, स्लेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, स्लेट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस मार्बल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज आपको ध्यान तो रखना है चार भाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन फोलिएटेड के, फोलिएटेड के, दीज आर द बेसिक मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड दीज आर वेयर दीज आर डिराइव फ्रॉम, ये कहाँ से डिराइव हुई, इससे पहले की स्टेज क्या थी, लाइमस्टोन थी, उसमें एक्शन हुआ हीट एंड इंटेंसिव प्रेशर के, तब मार्बल बना। सैंडस्टोन से क्या बना, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट से क्या बना, जेनेसिस, जेनेसिस क्या है मेरा, मेटामॉर्फिक रॉक। शेल, शेल से क्या बना, स्लेट, स्लेट क्या है मेरा, मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया अपना टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। अब जो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपना है टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सॉइल तो रॉक्स पे उसका फिजिकल वेदरिंग एक्शन हुआ, वहीं पे ही टूट के वो वहीं जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो तो अपना हो जाती है रेजिडुअल रॉक्स या फिर रेजिडुअल सॉइल्स। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, अगर इनके विघटन से या फिर वेदरिंग एक्शन से वो टूट के उस जगह आ गई, बट बाद में ड्यू टू विंड और वाटर की वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं दूसरी जगह और वहां जाके जम जाती हैं, या फिर सॉलिडिफिकेशन या लिथिफिकेशन उनका हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो वहीं टूट के वहीं जमना स्टार्ट हो जाती है, दीज आर रेजिडुअल सॉइल्स, एंड जो वहां से विंड या वाटर की वजह से दूसरी जगह जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो इस तरह की कैटेगरीज अपन ने बनाई हुई है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। तो अपन देख ले जाते हैं किस मीन से या फिर किस मीडियम से वो एक जगह से दूसरी जगह गई है, उस बेसिस पे अपन ने इनको डिवाइड किया है। तो आइए छोटी छोटी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। चलिए अब डिस्कस करेंगे अपन अपना अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। सबसे पहला मेरा आ जाएगा इसमें, मैं बात करूं तो लिख लीजिए एल्यूवियल सॉइल्स, एल्यूवियल सॉइल्स। नाम से पता चल जाएगा आपको व्हाट टाइप ऑफ सॉइल दिस इज। तो लिख लीजिए दीज आर डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर, दीज आर, एक एक सेंटेंस में लिखते जाइए, ज्यादा अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक एक सेंटेंस में, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आसानी है उसकी, बस। दीज आर डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर, बाय रनिंग वाटर। दीज आर फाउंड, वेयर दीज आर फाउंड, दीज आर फाउंड अंडर रिवर बेड्स, दीज आर फाउंड इन रिवर बेड्स। कहने का मतलब रिवर क्या होता है, रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट पार्टिकल्स या सॉइल अपने साथ लेके चलती है। ठीक है, तो जैसे जैसे रिवर बढ़ती जाती है, जो सॉइल पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं उसके बेड पे, उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्यूवियल सॉइल्स। उस टाइप की सॉइल को अपन क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल। तो क्या खासियत होगी इस तरह के पार्टिकल्स की, बताइए मेरे को, इस तरह के सॉइल पार्टिकल्स की क्या खासियत हो सकती है जब वाटर के अगेंस्ट वो रब होते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्म इन साइज, आप देखेंगे वो राउंड पार्टिकल्स होते हैं ज्यादातर, उनमें डिफरेंट शेप आपको नहीं मिलेगी, सब कोई भी एंगुलर पार्टिकल नहीं मिलेगा, एंगुलर अगर होगा तो वो उसके हार्डनेस या रफनेस की वजह से वो रगड़ता हुआ कैसा हो जाएगा, राउंड पार्टिकल बन जाएगा। तो जो रिवर के बेड में अपन को जिस टाइप की सॉइल मिलेगी वो अपनी कैसे कहलाएगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पुअरली ग्रेडेड सॉइल्स, फाउंड इन रिवर बेड। और साथ में लिख लीजिए दीज आर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली, इसका मैं मीनिंग बताऊंगा आपको क्या मतलब है, ये आगे भी काम आएगा तो अपन यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो दीज आर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। देखिए यूनिफॉर्मली ग्रेडेड से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म मतलब देर इज नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, दैट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या डायमेंशन, ठीक है, यूनिफॉर्म इन नेचर। आप जाते हो स्कूल में, जाते हैं स्टूडेंट्स स्कूल में जाते थे, अपन स्कूल में तो क्या पहनते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे। यूनिफॉर्म क्यों बोलते थे, क्योंकि सब स्टूडेंट्स की एक सेम यूनिफॉर्म हुआ करती थी, एक ड्रेस हुआ करती थी, जिसे उसको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए काम में लेते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो इस सॉइल की जो भी पार्टिकल्स हैं उनका मैं क्या कह सकता हूँ, यूनिफॉर्म से मतलब उनका साइज एंड शेप दोनों कॉन्स्टेंट है, साइज एंड शेप, शेप एंड साइज कॉन्स्टेंट या फिर यूनिफॉर्म थ्रू आउट दियर कंपोजिशन। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो एक ऐसा नहीं है कि 2 mm का एक पार्टिकल है या सीधा फिर एक 8 mm का पार्टिकल है फिर 0.2 माइक्रोन ऐसे पार्टिकल है, इस तरह से पार्टिकल का वेरिएशन नहीं है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पार्टिकल उसमें प्रेजेंट नहीं है, उसमें एक सिंगल ग्रेड पार्टिकल है। अगर एक 2 mm का है तो सारे 2 mm के मेरे पार्टिकल्स हैं, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल को दोस्तों मैं क्या बोल कह सकता हूँ, बेस्ड ऑन द ग्रेड दीज आर पुअरली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल को क्या बोल सकता हूँ, पुअरली ग्रेडेड। कन्फ्यूज नहीं होना आपको, मैं पुअरली ग्रेडेड क्यों बोल रहा हूँ, ग्रेड से मतलब क्या था, वेल ग्रेडेड कब बोलता, जब इसमें डिफरेंट टाइप डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें तो क्या है यूनिफॉर्म नेचर है, सब पार्टिकल्स का साइज एक कॉमन साइज है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। दैट्स व्हाई यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पुअरली ग्रेडेड सॉइल। वहीं अगर वेल ग्रेडेड सॉइल हो उससे मेरा मतलब क्या है, हालांकि आगे डिटेल में अपन देखेंगे बट समझ लीजिए, वेल ग्रेडेड सॉइल से मेरा मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल से मतलब मेरा क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ सॉइल इन विच पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट साइजेस, उनके साइज एंड शेप डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंपोजिशन उसमें प्रेजेंट है, इसलिए उनको वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों अपनी एल्यूवियल सॉइल की और उसकी छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में कि दीज आर यूनिफॉर्म ग्रेडेड पार्टिकल्स। दूसरी अगर मैं बात करूँ लेकस्ट्राइन, नाम से ही पता चलेगा लेकस्ट्राइन, लेक मतलब स्टिल वाटर, लेक मतलब स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, लेक में कैसा होता है रनिंग वाटर थोड़ी होता है रिवर की तरह, इट इज स्टिल वाटर, लेक पॉन्ड्स एटसेट्रा, इनके बेड में जो सॉइल अपन को मिलती है, इनके बेड से इनके बेड प्लेन से जो अपन को सॉइल मिलती है उसको अपन बोलते हैं लेकस्ट्राइन सॉइल्स। तो दूसरा क्या है मेरा लेकस्ट्राइन मतलब लेकस्ट्राइन सॉइल्स, so these are deposited by the still water, ठहरे हुए पानी की वजह से, the still water such as lakes, ponds etc. आगे बात समझ में, ये हो गया अपना लेकस्ट्राइन सॉइल के बारे में। तीसरा आ जाएगा अपना मरीन सॉइल्स, मरीन से आपको फिर से आइडिया होगा, दीज आर डिपॉजिटेड बाय द सी वाटर, दीज आर डिपॉजिटेड बाय, ये जो लेकस्ट्राइन है दीज कुड बी क्ले सैंड्स और कोर्स सॉइल भी हो सकती हैं, दीज कुड बी फाइन सॉइल्स आल्सो। ठीक है, तो मरीन सॉइल की अगर बात करो दीज आर डिपॉजिटेड बाय द सी वाटर, सी वाटर। मरीन सॉइल का एक प्रॉपर्टी और हो सकती है, ठीक है, इनमें जो होगा अपना साल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं दीज सॉइल्स हैव, दीज सॉइल आर सेलाइन इन नेचर, दीज आर सेलाइन इन नेचर, जहां पे जिस टाइप की सॉइल में प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी मैं अपने आप आपको लिखवा दूंगा। तो मरीन सॉइल में दीज आर डिपॉजिटेड बाय द सी वाटर, डेफिनेटली सी में क्या होता है सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए दीज सॉइल आर सेलाइन इन नेचर, और सेलाइन की वजह से क्या होता है इनकी कंप्रेसिबिलिटी या शेयर स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम होती है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, दीज सॉइल हैव लो शेयर स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, अगर स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ कम है तो कंप्रेसिबिलिटी हाई, दीज सॉइल, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट, दीज सॉइल हैव लो शेयर स्ट्रेंथ, इनकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है बट इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवाऊंगा, अदरवाइज अपन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लोवेस्ट शेयर स्ट्रेंथ, और पूछ लिया जाए लेकस्ट्राइन, एल्यूवियल, लोम और मरीन सॉइल, तो डेफिनेटली द आंसर वुड बी मरीन सॉइल्स। ठीक है, तो ये अपना मरीन सॉइल्स हो गया। अब आ जाइए अपना अगला एओलिन सॉइल्स, एओलियन सॉइल्स, एओलिन नाम से पता होगा अगर आपको आपके वोकेबुलरी अच्छी है तो एओलिन नाम से ही पता चल जाएगा का, दीज आर रिलेटेड टू विंड्स,
एओलियन एओलियन सॉइल्स। तो किस तरह की सॉइल हो सकती है ये? दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, कहने का मतलब ड्यू टू विंड दिस सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके फिर से वो सैंड ड्यून्स, आपने देखा है ना बड़े बड़े टीले जम जाते हैं, दिस आर कॉल्ड एओलियन सॉइल्स, जो कि विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाकर और दूसरी जगह जाकर सैंड ड्यून्स बना देती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन एओलियन सॉइल्स। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों लॉम सॉइल्स। लॉम सॉइल्स किस तरह की सॉइल्स होती हैं? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। इट इज, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, मतलब ये अपन आगे देखेंगे दोस्तों। दीज आर वॉट पार्टिकल, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंड सिल्ट कोर्स क्ले, और भी दो तीन टाइप है, बोल्डर्स वगैरह कॉबल्स वगैरह, वो अपन आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए इट, ये जो लॉम सॉइल है, लॉम सॉइल में क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन विच ईच वन हैव दियर प्रोपोर्शन लेस देन 50%। 50% से कोई भी ज्यादा पार्टिकल उस कंपोजिशन में नहीं होगा। इन विच ईच वन हैव दियर प्रोपोर्शन लेस देन 50%। आगे बात समझ में, 50% से किसी का भी ना तो सैंड का ना सिल्ट का ना क्ले का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर इनमें से किसी का कंपोजिशन हो जाता है तो वो वाला पार्टिकल डोमिनेट करने लग जाता है, और फिर अपन सोइल का जो नाम है उस पार्टिकल के हिसाब से देते हैं, उसको फिर अपन क्ले ही बोलेंगे। अगर क्ले 50% से ज़्यादा है, वो सारा अपन आगे देखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोइल में, वो टॉपिक बाद में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिलहाल आप देखिए, व्हाट इज लॉम सोइल, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन विच ईच वन ऑफ देम इज हैविंग प्रोपोर्शन लेस देन 50%। चलिए एक और लिख लीजिए दोस्तों, अगला बेंटोनाइट सॉइल, इंपॉर्टेंट बेंटोनाइट सॉइल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। क्या लिख सकते हैं अपन बेंटोनाइट सॉइल? तो इट इज ए वॉल्केनिक एश हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी। बेंटोनाइट सॉइल, इट इज वॉल्केनिक एश, वॉल्केनोस के जब इरप्शन से लावा निकलता है साथ में ऐश भी निकलती है, वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं इट इज वॉल्केनिक एश हैविंग, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी, दैट्स वाई दिस सॉइल इज वेल नोन। इट इज एश हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी। इसका जो यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज इट इज ऑफन यूज फॉर ल्यूब्रिकेशन इन ड्रिलिंग ऑफ बोर होल्स। इट इज इंपॉर्टेंट है ये, इट इज ऑफन used as lubrication of drilled, जो बोर होल्स अपन ड्रिल करते हैं उसमें पहले इसका इस सॉइल से लुब्रिकेट करते हैं उसको, किसको, बेंटोनाइट सॉइल से। इट इज ऑफन यूज एज ल्यूब्रिकेशन ऑफ ड्रिल्ड बोर होल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इट, दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट बेंटोनाइट सॉइल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको भी। चलिए ये तो हो गया दोस्तों अपना
टाइप्स ऑफ सॉइल्स।